अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AK कोचिंग सेंटर। ठीक है, तो हमारी सीरीज चल रही थी केमिस्ट्री की, क्लास बैटरी की जो न्यू बुक आई है हमारे पास, चैप्टर 2 इसका चल रहा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, लिवेस कॉन्सेप्ट, और हमने बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कर लिया था। और अब जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, वो है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि जब हमारे पास किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में जो फॉर एग्जांपल आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, जब NaCl को एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो आयंस प्रोड्यूस कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl मौजूद है, जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और अगर फॉर एग्जांपल हम HCl को डालते हैं तो HCl भी हमें हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन हमें देगा। दैट मींस के ये प्रॉपर तरीके से हमारे पास क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में हमें हेल्प आउट करती है और आयंस बनाने में हेल्प आउट करती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन था HCl के साथ बॉन्ड में था, तो इसका जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो ये हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोजन आयन बन गया। इस हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन का नाम भी देते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन भी जब लूज हो गया तो इसके पास सिर्फ प्रोटॉन बचा, तो दैट्स वाई इसको हम प्रोटॉन का नाम भी देते हैं। अगर इसके अलावा हम वाटर, अब ये तो रही हमारे पास सॉल्ट और HCl, हमारे पास एसिड की बात हम लोग कर रहे थे। अगर वाटर की बात हम लोग करें तो वाटर भी हमारे पास आयोनाइज होता है। ठीक है, लेकिन वाटर की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 लीटर वाटर लेते हैं तो उसमें से बहुत कम, बहुत ही माइनर सी उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। दैट मींस कि टूट जाती है हाइड्रोजन आयन और OH आयन में हाइड्रो। तो अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें इसकी कंसंट्रेशन कुछ इतनी कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 रुपए, ठीक है, आपके पास 10 रुपए, अगर आप उसमें से 0.001 पैसे माइनस कर दें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10 रुपए में से अगर 0.001 पैसे अगर माइनस कर दिए जाएं तो 10 रुपए की उस वैल्यू में कोई कमी नहीं आएगी। इसी तरीके से हमारे पास जो वाटर है, वाटर की आयोनाइजेशन बहुत कम होती है। अगर फॉर एग्जांपल 1 लीटर वाटर है, उसमें मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद होंगे, हमें पता है H2O के, तो उस मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स में हार्डली 1 या 2 ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि आयोनाइज हो जाते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, वाटर इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। हमारे पास वाटर क्या है, एक न्यूट्रल है, वाटर क्या है, एक न्यूट्रल चीज है। एंड दे हैव इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन OH आयन। इसके पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन है और OH आयन है ये बिल्कुल इक्वल होते हैं। ड्यू टू दिस प्योर वाटर कंसिडर्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आप अगर देखें जो प्योर वाटर हमारे पास मौजूद होता है, उस प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। लेकिन अगर आपके कोई माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारे घरों में जो पानी आता है उसमें से तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है, वो इस वजह से पास आउट होती है कि उसके अंदर हमारे पास मिनरल्स मौजूद होते हैं। मिनरल्स हमारे पास आयंस की शक्ल में, जैसे सोडियम और क्लोरीन की आयन की शक्ल में मौजूद होते हैं, चार्ज उनके ऊपर होते हैं। और हमें तो पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वहां इलेक्ट्रिसिटी होगी, जहां चार्जेस होंगे वहां इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो जहां हमारे पास चार्जेस ही नहीं होंगे तो वहां इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो कंडक्ट हो ही नहीं सकती। तो जब प्योर वाटर है, प्योर वाटर में हमारे पास उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स में से चंद 1 या 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, बाकी सारे जो है वैसे के वैसे ही रहते हैं। हमारे घरों में जो पानी आता है उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स मौजूद होते हैं सॉल्ट्स की शक्ल में। दैट्स वाई वो हमारे पास क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर इसके बाद अगर हम देखें तो वाटर हमारे पास क्या है, अगर वाटर की इक्वेशन हम देखें तो H2O है हमारे पास, ब्रेक किस में हो रहा है, हाइड्रोजन आयन में प्लस OH आयन में हमारे पास क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अगर हम इसको KC की एक्सप्रेशन में लिखें, हमने लास्ट चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि KC की एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होती है। KC हमारे पास किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स के। और यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट्स क्या है, H2O है, और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन आयन है और OH आयन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अगर हम इसकी वैल्यू पुट आउट करें तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है,
प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, इसको ये जो ब्रैकेट है ये इसकी मोल कंसंट्रेशन शो कर रहा है, दैट मींस कि कितने हाइड्रोजन आयन हमारे पास आयोनाइज हुए हैं। OH आयन को हम इसी तरीके से ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, हाइड्रो H2O है हमारे पास, तो उसको हमने क्या कर दिया इसमें ब्रैकेट में लिख दिया। ये तो चलो हमने क्या किया इसको KC की एक्सप्रेशन में लिख दिया, लेकिन अब हम जानते हैं एज वी नो दैट वाटर आयोनाइज जब होता है, तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये देखें तो KC हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, जो हमने लास्ट चैप्टर में लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन में हमने ड्राइव किया था कि KC क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। और अगर वाटर की हम देखें तो वाटर भी हमारे पास जो है H2O, ये भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे पास मिलियंस ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स में से चंद एक या दो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि आपस में क्या होते हैं, आयोनाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस जो इक्वेशन है इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ये हमारे पास वाटर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको KC के साथ जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दैट मींस KC हमारे पास इसकी वैल्यू लिख देंगे हाइड्रोजन, और इक्वल टू है हमारे पास किसके, हाइड्रोजन आयन प्लस OH आयन के हमारे पास क्या है, इक्वल, इनकी मोल कंसंट्रेशन के हमारे पास क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर एक बात याद रखिएगा, जब दो कांस्टेंट वैल्यूज हमारे पास जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनको हम चेंज करते हैं एक और कांस्टेंट वैल्यू के साथ, तो यहां पे हमारी बुक में जो हमें कांस्टेंट वैल्यू दी गई है वो दी गई है KW। दैट मींस हमारे पास जो KW है वो किसके बराबर है, हाइड्रोजन आयंस प्लस OH आयंस हमारे पास मौजूद है। That means कि KW किसके बराबर है हमारे पास, हाइड्रोजन आयन के बराबर है और OH आयन के बराबर है। अच्छा स्क्वायर रूट हमें एक, अच्छा ये जो ब्रैकेट है हमें क्या बता रहा है, ये इसका क्या है, मोल कंसंट्रेशन है, और इसकी वैल्यू जो हमें दी गई है KC, इसकी जो वैल्यू हमें दी गई है वो है 1 × 10⁻¹⁴। ये इसकी वैल्यू दी गई है और इसकी यूनिट भी है मोल डीएम इनवर्स का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास मोल कंसंट्रेशन बराबर नहीं होती, आगे पीछे होती है, यहाँ पे इसकी मोल कंसंट्रेशन 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी 1, दैट मींस कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी मोल कंसंट्रेशन हमारे पास 2 है, रिएक्टेंट की जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसकी मोल कंसंट्रेशन 1 है, तो आपस में जब ये मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू, जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, मोल कंसंट्रेशन हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी मोल डीएम इनवर्स की पावर हमारे पास 2 आएगा, ये इसकी वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है। तो हमें क्या क्या अब इस चीज से हमें क्या मिल गया, KW हमें मिल गया, एक और कांस्टेंट हमें मिल गया, ठीक है। KW किसके बराबर है, हाइड्रोजन आयन के बराबर है एंड OH आयन के बराबर है, जिसकी वैल्यू हमें उन्होंने क्या दी हुई है, 1 × 10⁻¹⁴ मोल डीएम इनवर्स का क्यूब, सॉरी स्क्वायर। अच्छा KW के बारे में हम देख लेते हैं, KW हमें एक दो, जब दो दो कांस्टेंट वैल्यू जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो हम उसको एक और कांस्टेंट वैल्यू से जब रिप्लेस करते हैं, जो यहाँ आपकी बुक में मौजूद है वो KW मौजूद है। अच्छा KW को हम जो है ये कह सकते हैं कि ये आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक कांस्टेंट प्रोडक्ट है किसका, वाटर का। और अगर फॉर एग्जांपल, और ये एक और चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए कि जब भी वाटर आयोनाइज होता है उसके बहुत कम मॉलिक्यूल भी अगर आयोनाइज होते हैं तो जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, मोल कंसंट्रेशन, और OH आयन की मोल कंसंट्रेशन भी है, वो दोनों बराबर होगी। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयन और प्लस OH आयन की अगर मोल कंसंट्रेशन हमारे पास इक्वल है, फॉर एग्जांपल अगर हम इक्वल है तो दैट मींस कि वो न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, क्या है हमारे पास, न्यूट्रल पार्टिकल है। लेकिन अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयन की जो मोल कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम +2 लिख लेते हैं और OH आयन की मोल कंसंट्रेशन हमारे पास सिर्फ 1 है, तो हमने आपको याद होगा कि हमने आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा था कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयन की मोल कंसंट्रेशन, जो जहाँ हमारे पास हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, दैट मीन्स कि वो क्या है, एसिडिक है। तो दैट मीन्स कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयन की मोल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो दैट मीन्स कि ये एसिड है, एसिडिक है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयन की मोल कंसंट्रेशन कम होती है और OH आयन की मोल कंसंट्रेशन हमारे पास ज्यादा होती है, दैट मींस कि आर्हेनियस के मुताबिक हमने पढ़ा था कि कोई
कोई कंपाउंड कोई सब्सटेंस अगर हमारे पास पानी में मौजूद हल होने के बाद डिस्प्लेट होकर ओवरचाइन देगा तो वो बेस होगा। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास वाटर के अंदर जब वो आयोनाइज होता है उसकी जो मोल कंसंट्रेशन है OH की अगर वो ज्यादा है तो दैट मीन्स कि वो बेसिक है। दोनों की बराबर है दैट मीन्स कि वो न्यूट्रल है। दोनों अगर हाइड्रोजन आयन की ज्यादा है दैट मीन्स वो एसिडिक है। और अगर हमारे पास वो OH आयन की मोल कंसंट्रेशन है अगर वो ज्यादा है दैट मीन्स कि वो क्या है बेसिक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। KW की वैल्यू समझ आ गई होगी, KC तमाम चीजें आपको वाटर आयनाइजेशन की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम pH स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि pH स्केल हमारे पास होता क्यों है, क्यों बनाया गया। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।